एक तो पहली बात कि जो हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, वो साधन है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास वही मशीन है जो 20 साल पहले थी वहाँ पर, वो मशीनें आज भी है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर मैन पावर है नहीं, यहाँ पर हर वार्ड में 4 या 5 बंदे हैं, वो पहले यहाँ पर अब बर्फ़ हटाएंगे या कूड़ा करकट हटाएंगे। और जो हमारे पास अगर कुछ मशीनें हैं वो सबसे पहले जाती हैं वीआईपी एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे वीआईपी लोग हैं, वीआईपी एरियाज में जो रहते हैं, उनको ना तो सर्दी लगनी चाहिए ना तो उनको कोई तकलीफ़ होनी चाहिए। और यहाँ पर आम लोग, जहाँ से शहरी श्रीनगर में जहाँ पर आम लोग रहते हैं, अगर वो मर भी जाते हैं उससे इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके सामने ये लोग इंसान है ही नहीं। आप देखिए, कल से हम यहाँ पर बैठे हैं, कल सुबह 8 बजे से, और हम यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार करते हैं मशीन के लिए कि हमारी मशीन कब आएंगी और यहाँ से बर्फ़ हटाएंगे। कमिश्नर और मेयर को आपने बताया इसके बारे में? देखिए, डिपार्टमेंट ने ऑफिसर्स रखे हैं, सारे ऑफिस वो हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि यही पहली यहाँ पर जो पहला मसला जो होता है, जहाँ पर भी हमें काम करना होता है तो उनको पहले फ़ोन आता है कि फलानी वीआईपी एरिया में आप मशीनें भेजिए, फलानी ऑफिसर घर में के घर में आप मशीनें भेजिए। आपके आपके स्टेटमेंट में खुद कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वीआईपी के लिए हमें पहले मशीनरी और मैन जो पावर है उसको भेजना पड़ता है, यहाँ से दूसरी साइड से आप बता रहे हैं कि हमारे पास आउटडेटेड मशीन्स हैं। जी, तो आपके खुद के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। क्या मैन एंड मशीनरी खाली अमीर लोगों के लिए है? जो यहाँ पर गरीब लोग हैं क्या उनके लिए मैन एंड मशीनरी नहीं है? यहाँ पर भेजा जाता है तो यहाँ पर क्यों नहीं लाया जाता है? अभी इतना ट्रैफिक मैस है उधर, वन साइडेड ट्रैफिक आपने मतलब ओपन किया है, दूसरी गाड़ी के लिए भी जगह नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पहले से चल रहा है यहाँ पर, जहाँ चाहे ये बर्फ तो पहले तो यहाँ पर नहीं पड़ती है, हर साल तो बर्फ़ पड़ती है, लेकिन कम से कम इंतज़ाम के तो ये ख्याल रखना चाहिए था कि हर एक वार्ड में एक एक मशीन भेजते, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, 5 या 6 वार्डों में एक मशीन भेजते हैं, तो वो एक मशीन क्या करेगी? आप जवाहरनगर जाएंगे वहाँ पर 4 मशीनें हैं, राजबाग जाएंगे तो वहाँ पर 5 मशीनें जाएंगे, आप हैदरपुरा जाएंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोगलापन क्यों हमारे साथ? ये आप अगर अब हमारे कमिश्नर साहब से सवाल करते हैं, हमारे मेयर साहब से भी आज सवाल करते, तो ये हमारे साथ क्यों? यहाँ पर भी आम लोग रहते हैं, क्या इनको जीने का कोई हक नहीं है क्या? ये कल से मुझे फ़ोन आ रहा है, यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको कंधों पर निकाला गया, एक ही यहाँ पर डेथ हुई थी, तो उस वक्त परेशानी हो रही थी। और दूसरा, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ कॉपरेट करें, अगर किसी जगह वायर कटती है या किसी जगह कोई पाइप फटती है तो आप लोग वहाँ पर मशीनें बंद करते हैं और हंगामा करते हैं। आप देखिए कि अगर कोई भी मशीन आती है उसको पता नहीं कि कौन सी पाइप कौन सी वायर कहाँ पर है, वो अपना काम करता है, लेकिन अगर कुछ किसी जगह पर होता भी है, लेकिन कम से कम अगर लोग भी कॉपरेट करें तो हमें आसानी होती है यहाँ पर काम करने में। हम सुबह से लगे हैं यहाँ पर अपनी स्टॉप लेकर, और सुबह से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो मशीनें होनी चाहिए वो होती ही नहीं, अगर होती भी है कुछ वो पहले वीआईपी एरियाज में जाती है। मशीन और मैन पावर जो है वो जो खास स्पेसिफिक एरियाज है उनके लिए भेजी जाती, जैसे कि जो अमीर तरीन लोग हैं जी 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 पहले भेजी जाती। जी, क्या इसके लिए आपने मुतलका जो एसएमसी मेयर है और जो कमिश्नर साहब है उनसे आपने बात करी इसके बारे में? देखिए कि हमें कितने 74 वार्ड्स है यहाँ पर। जी जी, तो 74 वार्ड्स के लिए एक एक वार्ड में ज़रूरी मशीनें होनी चाहिए थी, क्या इसके लिए आपने बात की? इन लोगों ने एक काम किया है कि यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो वार्ड है यहाँ पर, तो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के वार्ड के साथ इलेक्ट्रल वार्ड 4 या 5 आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मशीन भेजी है। वो टोटल 29 थी हमारे पास, उसमें से भी 12 खराब हो चुकी है। तो ये मैं वहाँ पर इन लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि जब भी आप मशीनें भेजें, आप हमारे एरिया को रात को भेजिए मशीनें, दिन को मत भेजिए, लेकिन कम से कम भेजिए। आप देखेंगे जवाहरनगर जाएंगे वहाँ पर 4 मशीनें होंगी, राजबाग में जाइए, हैदरपुरा में जाइए, जहाँ पर वीआईपी एरियाज है वहाँ सबसे पहले वहाँ पर मशीनें जाती है। अभी अगर अपील करनी होगी आपको कमिश्नर और एसएमसी मेयर के लिए तो क्या अपील करेंगे? तो मैं मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो मशीनें भेजिए, आप हमें रात को ही मशीनें भेजिए, लेकिन कम से कम उन एरियाज में भी भेजिए जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। वो लोग किसके पास जाएंगे? वो तो हमारे पास आएगी, लेकिन हम किसके पास जाएंगे?
हम यहाँ पर फ़ोन करते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन आपको भी ऊपर से पहले प्रेशर आता है कि पहले आप फलानी जगह मशीनें भेजिए, लेकिन कम से कम इस बात के ख्याल रखिए कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं।